नमस्ते, मेरा नाम है शलभ और लिवर सीरीज के फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अल्कोहल से लिवर पे क्या असर पड़ता है, क्या इससे लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर भी हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए और क्या ये जानलेवा भी हो सकता है। ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडस हॉस्पिटल के लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीक परीख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक परीख और हम आज बात कर रहे हैं अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ की, अल्कोहल से होने वाली लिवर की बीमारी। ये सबको पता है कि अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है, पर कई लोग ये मानते हैं कि अल्कोहल यानी कि बियर लिवर को डैमेज नहीं करता है और बियर सेफ है। ये सरासर गलत है और बियर हो या वोडका हो या विस्की हो, वो लिवर को इक्वली ही डैमेज करते हैं। जो आदमी सालों साल अल्कोहल ले रहा है, उनको लिवर की बीमारी तीन स्टेज में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले फैटी लिवर होता है, उसके अंदर लिवर के अंदर चर्बी जमा होती है। 90% लोग जो अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लिवर हो जाता है। उसके आगे 10-35% लोग होते हैं जो सेकेंड स्टेज में जाते हैं, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अगर माइल्ड हेपेटाइटिस है तो वो जानलेवा नहीं रहता है, पर सीवियर हेपेटाइटिस है वो जानलेवा हो सकता है। उसके बाद 10-20% लोग होते हैं जो अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस यानी परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है उनका। अगर हम अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल को छुड़ाना। उसके लिए अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत है तो हम लेते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट कंट्रोल। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है, उनको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देना है जिससे लीवर जल्दी से रिकवर हो सके। जिनको सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है उनको हम स्टेरॉइड देते हैं, पर स्टेरॉइड एक लिवर स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही देना चाहिए। अगर उनको लिवर सिरोसिस है तो जैसे बाकी लीवर की बीमारियां है लिवर सिरोसिस के कारण है, वैसे ही लिवर सिरोसिस को मैनेज करते हैं और उनको लिवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। तो अल्कोहल की बीमारी से बचने का सॉल्यूशन है अल्कोहल को छुड़ाना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अल्कोहल छुड़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और लीवर को बचा लेना चाहिए। थैंक यू। आपके सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इसी तरीके के जानकारी से भरे हुए वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में डॉक्टर प्रतीक परीख हमें फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जानकारी देंगे और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।